व्यूवर्स ट्रेन में बैठ के मुझे इंडिया की मूवी सन ऑफ सरदार याद आ रही है, और उसका ख़ास तौर पर डायलॉग आजो जी आजो ऐसे बैजो आजो जी आजो। आपको भी शायद ये ट्रेन के सफर में सन ऑफ सरदार का वो सीन याद आ रहा हो। तो व्यूवर्स से निकल चुके हैं और आगे बढ़ते हैं। ये एक बरसाती नाला ही है, इसमें पानी आ रहा है। ये हम वज़ीराबाद जंक्शन पे पहुँचे हैं और ये वज़ीराबाद जंक्शन का रिवर्स प्लेटफॉर्म है। पीछे देखें, ये बहुत ही पुराने ज़माने की बिल्डिंग है। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये बहुत ही पुराने पाकिस्तान के बनने से पहले की बिल्डिंग्स हैं जो अभी तक व्यूवर्स कैम नाइम हैं। और ये हमारा प्लेटफॉर्म आ गया है वज़ीराबाद जंक्शन का। तो इधर हमारी ट्रेन कुछ देर रुकेगी, तो देखें काफ़ी ज़्यादा पैसेंजर इधर खड़े हैं और मेरे ख्याल से तेज़ घाम भी नहीं आई, उसके पैसेंजर भी इधर से ही चढ़ेंगे। तो ये देखें, ये तो बहुत ही ज़्यादा पैसेंजर खड़े हुए हैं। ये व्यूअर्स हम वज़ीराबाद जंक्शन को भी खैर बात कह रहे हैं। आपको मैंने बताया कि ये बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं ले रही, थोड़ी थोड़ी देर ये जहाँ भी इसने स्टॉप किया ये सिर्फ पैसेंजर उतार रही है और पैसेंजर्स को बिठा रही है और फौरी चल पड़ती है। ये इनकी रेलवे वर्कशॉप है, यहाँ बोगियों वगैरह की रिपेयरिंग भी होती है। और ये जहाँ भी जंक्शन होता है तो वहाँ रेलवे की वर्कशॉप मस्ट होती है। और आपको मैं बताता चलूँ कि रेलवे जंक्शन का मतलब ये होता है कि यहाँ से हर तरफ की ट्रेनें निकलती हैं। तो ये देखें, ये इधर काफ़ी ज़्यादा सिग्नल लगे हुए हैं और ये जब ये नीचे डाउन होते हैं, जिस ट्रैक पे डाउन होते हैं उस ट्रैक पे ट्रेन जाती है। ये हमारे टिकट चेकर साहब आए हैं कि जो लोग बगैर टिकट के सफ़र करते हैं ये उनको टिकट भी देते हैं, और जिन्होंने टिकट नहीं लिया होता उनको जुर्माना भी करते हैं। ये देखें व्यूअर्स, ये जब से हम रावलपिंडी से निकले हैं तो ये हमारे साथ साथ ये जीटी रोड के साथ साथ ये ट्रेन बढ़ रही है आगे। क्योंकि पर डस्ट से भरी हुई हरियाणी भी आपको मिल सकती है। ये बाबा जी हरियाणी भेज रहे हैं और पेपर अनकवर है और डस्ट कितनी है जिस लोग बना रही है। अभी हम ये लाला बुसा में क्रॉस किया व्यूवर, ये तमाम एरिया सारा ये चावलों की काश्त हो रही है। इधर ये सारा जितना भी एरिया है ये बहुत बड़ा एरिया है जहाँ ये सारे चावल काट किए गए हैं। और आपको पता है कि हमारे मुल्क के चावल दुनिया में बहुत टॉप रेट पे हैं। तो ये बहुत बड़ा एरिया है जहाँ ये सारे चावल काट किए जा रहे हैं। व्यूवर, ये हम गुजरांवाला स्टेशन पे पहुँचे हैं और ये व्यूवर्स वज़ीराबाद से ले के इधर गुजरांवाले तक ये ठीक अपना, ये देखें ये बड़ी प्यारी बिल्डिंग बनी हुई है गुजरांवाले की। तो ये ठीक खींच के स्पीड टू स्पीड ट्रेन आई है वज़ीराबाद से ले के यहाँ तक। व्यूवर्स, हम ये दरियाए रावी है और सेंटर को लगे हैं और ये दरियाए रावी को हम क्रॉस कर रहे हैं और इसके बाद हम लाहौर जंक्शन स्टेशन पर पहुँच जाएँगे। दरियाए रावी में पानी की सतह काफ़ी ज़्यादा है और आम रात में तो मुझे बहुत पानी होता है।
ये लाहौर का बदामी बाग स्टेशन है, देखें लाहौर के काफ़ी ज़्यादा स्टेशन है। पहला स्टेशन इसका शाहदरा है और उसके बाद ये बदामी बाग है, फिर जंक्शन आएगा, इसके बाद लाहौर छोनी आएगा, इसके बाद कोटला पास आएगा। तो लाहौर काफ़ी बड़ा शहर है, इसमें प्लेटफॉर्म भी इतना ज़्यादा है, लेकिन ये ट्रैक जो है ये लाहौर जंक्शन स्टॉप करती है और इसके बाद लाहौर छोनी का स्टॉप करेगी। व्यूअर भी देखें, हम तकरीबन लाहौर जंक्शन के करीब पहुँचने ही वाले हैं। जी तो व्यूअर, हम ये लाहौर जंक्शन पे उतर चुके हैं और इधर देखें बहुत ही ज़्यादा रश होता है और हस्ते मंगूर भी काफ़ी रश है। तो अभी हम ये जाएंगे, प्लेटफॉर्म से बाहर जाएंगे, तो आपको बाहर का भी मैं बोलता रखना फरमाऊँगा। व्यूअर, आपको वीडियो कैसी लगी वो ये आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है और हमारी वीडियो को लाइक भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो आगे चलते हैं। ये देखें व्यूअर, ये बाहर जाने का यहाँ से रास्ता है, हम प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे खड़े हैं। यहाँ से हम ये सीढ़ियाँ चढ़ेंगे और बाहर जाएंगे। ये दूसरी तरफ भी ट्रेन खड़ी है और यहाँ से सीढ़ियाँ हम ऊपर चढ़ जाएंगे और बाहर निकल जाएंगे। ये व्यूअर्स देखें ऊपर से कितना रश है, तमाम प्लेटफॉर्म बिजी हैं और उधर जिधर से हम आ रहे हैं उधर मैं आपको दिखाऊं तो उधर भी ट्रेन खड़ी हुई है। ये बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है और ये भी गोरों के ज़माने का बना हुआ है और अभी तक कैम डैम है, लेकिन इसकी रेनोवेशन काफ़ी अपडेट की जाती रहती है। तो ये देखें कि ये काफ़ी खूबसूरत प्लेटफॉर्म है। और यहाँ से व्यूअर्स हम नीचे उतर जाएंगे और सीधे बाहर निकल जाएंगे। ये हम वेटिंग एरिया में पहुँच चुके हैं और अभी ये बाहर निकलते हैं स्टेशन से, तो फिर आपको मैं बाहर का भी व्यू चेक करवाता हूँ। ये देखें व्यूअर्स, ये रिज़र्वेशन ऑफिस है हमारे लाहौर का। ये देखें व्यूअर्स, हम बाहर आ चुके हैं और ये स्टेशन के बाहर भी इन्होंने ये जो पार्क राउंड अबाउट थी ये उसमें इन्होंने ये पुराने ज़माने का इंजन खड़ा किया हुआ है। जी तो व्यूअर्स, अब हम चिकची रिक्शे में बैठे हैं और यहाँ से हम जाएंगे दाता दरबार और दाता दरबार से आगे हम मेट्रो पे बैठेंगे और मेट्रो पे बैठ के हम अपने बढ़ जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।